तो सोचिए, आपको अगर ऐसे एक नोटबुक रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, आपने उठा लिया इस नोटबुक को और इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अब जिसका भी नाम इस पे लिखोगे वो मर जाएगा, तो आप किसका नाम लिखोगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भाष्य और आप देख रहे थे फिल्मजीज, और आज हम रिव्यू करेंगे एक जापानीज मंगा। मंगा मतलब हमारे यहाँ पर जो जिसको एनिमेशन कहा जाता है, एनिमे सीरीज़, उसको मंगा कहा जाता है। और उस मंगा जापानीज मंगा 2006 अक्टूबर से 2007 जून तक चला था जापानीज टीवी पर। इसका नाम है डेथ नोट। इंडिया में एनिमे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे जैसे एज में, और हमसे भी बड़ा बहुत लोग हैं जो एनिमे देखते हैं। जापानीज़ एनिमे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, और मैंने भी योर नेम और आई ईट योर पेनक्रियास जैसे बहुत सारे जापानीज़ फिल्म देखे थे एनिमे, पर कोई सीरीज़ नहीं देखा था। तो एक सब्सक्राइबर ने, हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये डेथ नोट सीरीज़ देखिए, और डेथ नोट सीरीज़ एनिमे में सारी पूरी वर्ल्ड में नंबर वन है। तो मैंने डेथ नोट देखा, 37 एपिसोड्स है, एक ही सीज़न है, 37 एपिसोड्स है, 20-22 मिनट के है हर एक एपिसोड, और मैं जस्ट स्टंड, आई वॉज जस्ट स्टंड। व्हाई? कारण, इसका कारण है कि एक वेब सीरीज में क्या क्या होता है। थ्रिल, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, कुछ लाइट ह्यूमर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटेलिजेंस, ये सब है। आप एक सोचिए, रेस 3 में कितना ट्विस्ट था, 13-14, और कुछ भी मीनिंग नहीं था उस ट्विस्ट का। यहाँ पर लगभग 25 ट्विस्ट है और 37 एपिसोडों में, और हर एक ट्विस्ट मीनिंगफुल है। आपको जो एंडिंग देखा ना, ये फिल्म, ये वेब सीरीज़, आप चौंकने रह जाओगे। तो मैं थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ। प्लॉट ये है कि लाइट यागामी नाम का एक स्टूडेंट है जो अभी अभी स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी गया है, ग्रेजुएट होने है वो, और उसको एक नोटबुक रास्ते पर पड़ा हुआ मिलता है। वो उठाया उसको और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखा, मैंने जो पहले बोला कि जिसका भी नाम लिखोगे वो मर जाएगा, आपका नाम, आप नाम लिखोगे उसके बाद 40 सेकंड में वो मर जाएगा। दो शर्तें हैं, आप उसका नाम, जिसका नाम लिखोगे उसका नाम और उसका फेस आपको याद रहना होगा, तभी आप लिख सकोगे। और तो ये नोटबुक किसका है, ये नोटबुक असल में शिनगामी का है। शिनगामी कौन है? शिनगामी है हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो जिसको हम यमदेव कहते हैं ना, यमदेव, तो यमदेव का वहाँ पर जापानीज में उसका नाम है शिनगामी, डेथ गॉड। तो डेथ गॉड रायुक ने बोर्डम में उसको फेंक दिया था पृथ्वी में, और लाइट यागामी ने उठा लिया। उठा के उसने क्या किया, इस वर्ल्ड का जितना भी क्रिमिनल्स है, जो भी क्रिमिनल्स है, बड़े बड़े, सबको नाम लिख दिया और सब मर गए एक साथ हार्ट अटैक से। इस पे क्या हुआ, FBI, इंटरपोल, ऐसी जो संस्था है, जो गोविंदा यानी डिटेक्टिव संस्था है, उनका नज़र पड़ा और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। और उसके बाद आता है एल नाम का एक कैरेक्टर जो इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव है। और एल और लाइट यागामी यानी कीरा, इन दोनों का जो फाइट, ये 37 एपिसोड तक चलता है ना, आपको बहुत मजा आएगा। आपने सेक्रेट गेम्स मिर्जापुर देख के बोला है, या फैमिली मैन देख के, और या मानी हाइस्ट, ब्रेकिंग बैड देख के बोला है कि ये तो बेस्ट है, गेम ऑफ थ्रोन्स ये तो बेस्ट है, पर ये जो वेब सीरीज है ना, डेथ नोट, ये सबका बाप है। क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना कितना ट्विस्ट है यहाँ पर। आप ज़रूर देखिए इसको। इसका डायरेक्टर का नाम मुझे स्पेलिंग नहीं आता, मैं यहाँ पर लिख दूंगा डायरेक्टर का नाम। और इसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छा है, कैरेक्टर का जो एक्टिंग किया है यानी वॉइस एक्टिंग बहुत बढ़िया है। आप इसको देख सकेंगे नेटफ्लिक्स पे, और किसी को एनिमे कम्युनिटी से कोई देख रहे हुए वीडियो तो मुझे और भी सजेस्ट करो सीरीज़, और एनी एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे मैसेज करना, हमारे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं एंडिंग एक्सप्लेन भी करूँगा इसका, जिन्होंने भी देखा है वो करना। ठीक है, तो आज के लिए बाय, अगले एपिसोड में आते हैं, और डेथ नोट्स ज़रूर देखना। टाटा।